हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीपी के बारे में, ठीक है, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन कैसे होता है कि सॉल्व, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हुज रूट सारी जीपी में दिया हुआ हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए क्या होगा कि लेट हम मानेंगे कि ऐसा रूट्स मानेंगे जो कि हमारा जीपी में दिया हुआ। तो लेट हम देखिए मानते हैं क्या कि ए बाई आर, फिर ए और ए आर मल्टीप्लाई में, ठीक। तो ये हमारा जो होता है वो जीपी का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारा जीपी में दिया, तो बी द रूट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है, देखिए 3x³ है हमारा, फिर -26x² प्लस 52x -24 इक्वल टू जीरो। ये हमारा देखिए इक्वेशन है इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा, देन वी हैव, तो क्या होगा कि जो रूट्स है उसका सम करेंगे सारा। तो देखिए यहाँ पे a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू क्या होता है कि -a1 बाई a0। तो -a1 मीन्स यहाँ पे -26, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 26/3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए सभी में है, मीन्स हम ए यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं। तो कॉमन आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 1/r हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 होगा प्लस r हो जाएगा इक्वल टू 26/3। इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन देखिए फिर क्या करेंगे कि एंड, फिर दो रूट का प्रोडक्ट फिर सम करते हैं, मीन्स ए बाई आर और फिर ए, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा कि यहाँ पे a इंटू ए आर, फिर प्लस करते हैं ये दोनों को, तो a बाई आर और इंटू ए आर, ये हमारा क्या होता है कि 52/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/a0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर आर प्लस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर ओनली फॉर ये आर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 52/3, ठीक। देन अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर सभी में, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है, 1/r बच रहा है यहाँ पे, हम फर्स्ट ये टर्म को भी लिख सकते हैं पहले, प्लस 1 प्लस r, क्योंकि सेम दिखेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या 52/3, क्योंकि हम 1+2 करें या 2+1 करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट तो वही आता है, ठीक। तो 52/3 हो गया, इसको इक्वेशन हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। एंड फिर क्या करते हैं कि तीनों का प्रोडक्ट, मीन्स क्या कि ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल टू क्या होगा वहाँ पे 24/3 होगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा नेगेटिव में होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ए 3 में दिया हुआ -24, मीन्स यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24/3, ये देखिए आर आर कैंसिल आउट, ए क्यूब इक्वल टू 24/3 हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, ए क्यूब देखिए हमारा क्या है कि 24/3 मीन्स क्या, ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है ये हमारा, देखिए 3 से 8 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है कि 2 का ये हमारा क्यूब है, तो 2 आ गया ए का वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 हम रख लेते हैं, ठीक। देन अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन किस में, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन किस में, 1, वी गेट, देखिए क्या होता है कि 1 में पुट करेंगे मीन्स 2 होगा, और 1/r था प्लस 1 प्लस r था जो कि 26/3 था, देखिए यहाँ पे ये था हमारा वैल्यू। एंड देन ठीक क्या करेंगे, देखिए जो 2 हमारा है तो इसको क्या करते हैं कि 2 देखिए ये हमारा है तो इधर ले जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा इससे 2 जो होगा वो 2 से कैंसिल आउट होगा, ये हमारा 26, तो हम यहाँ से भी सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल होता है और डिनोमिनेटर इधर से कैंसिल होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1/r प्लस 1 प्लस r बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 से करेंगे कैंसिल आउट, तो ये हमारा 13/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्म, ठीक। देन अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 इधर जो हमारा, सॉरी पहले यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे आर,
ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा वन रहेगा प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आर, और यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ 13, और एलसीएम जो हम लिए थे ना वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, देन अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है इधर बहुत जगह है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या कि देखिए ये लाइनिंग दे दिए, ठीक, तो यहाँ पे होगा कि ये जो हमारा 3 था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 + 3R प्लस 3R स्क्वायर इक्वल टू हमारा 13R। देखिए ये जो टर्म था तो ये 3 जो टर्म था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 3 और 3R प्लस यहाँ पे 3R स्क्वायर, तो यही हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, देन फिर क्या करेंगे, देखिए 3R इधर ले आते हैं, ये हमारा 3R स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे 3R माइनस 13R और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया। देन फिर क्या कि 3R स्क्वायर हो गया और 13 मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10R हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ हो जाएगा, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे R का देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक में फॉर्म हो गया है तो यहाँ पे R का दो वैल्यू निकलेगा, तो 3R स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 9R और माइनस R, तो माइनस 10R और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टर्म में 9R स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया। फिर देखिए तो यहाँ से 3R कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है, 3R कॉमन आउट करेंगे, यहाँ से भी 3R कॉमन आउट हो जाएगा, दिस इज 3R, तो R माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और माइनस 1 यहाँ से कॉमन आउट करते हैं तो R माइनस 3 इक्वल टू हमारा 0। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3R माइनस 1 एक टर्म हुआ और R माइनस 3 दूसरा टर्म इक्वल टू 0। तो R का वैल्यू यहाँ से निकला है क्या कि 1/3 और R का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला हुआ है, ठीक, तो R का दो वैल्यू आ गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हमारा रूट्स हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए वैन हम लिखेंगे क्या कि R इक्वल टू जब हमारा 3 है, R इक्वल टू 3 ले लेते हैं एंड A का जो वैल्यू है वो तो है ही, A का वैल्यू हमारा 2 है, देन देखिए रूट्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में था, A बाई R, A और AR में था, ठीक, तो A का वैल्यू यहाँ पे 2, R का वैल्यू यहाँ पे 3, ठीक है, और A का वैल्यू तो यहाँ पे 2 है ही और यहाँ पे 2 × 3, तो ये इम्प्लाइज क्या कर जा रहा है कि रूट्स हमारा जो किस टाइम में हो रहा है, ये 2/3 में, फिर 2 में और ये हमारा 6 में, इसमें हो रहा है। अगर वैन, ठीक, इस समय हो गया और वैन हम लिखेंगे क्या, वैन देखिए R इक्वल टू 1/3 हो एंड A इक्वल टू तो 2 है ही, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे A बाई R मीन्स क्या हो जाएगा कि A हमारा जो है वो 2 है और बाई R मीन्स इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 मीन्स इंटू यहाँ पे 3 और A हमारा 2 और यहाँ पे क्या होगा कि AR मीन्स क्या कि 2 × 1/3, तो A इम्प्लाइज कर रहा है 6, 2 और हमारा 2/3 मीन जो हमारा रूट आ रहा है, देखिए दोनों में सेम आ रहा है, 2/3, 2, 6 यहाँ पे पुट करें तो भी आ रहा वही और यहाँ पे भी 6 × 2/3, तो यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, आंसर देखें यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन।